ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ हैं, इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। ज्योति से सीधी बात करेंगे, कांग्रेस के सिंबल पे मेयर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, प्रत्याशी रहे हैं, क्या वजह है कि आज ज्योति खंडेलवाल को भाजपा में शामिल होना पड़ा कांग्रेस को छोड़कर? देखिए, लगातार कार्यकर्ता की हो रही अनदेखी, लगातार जो पार्टी के प्रति जो समर्पित भाव से कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनकी उपेक्षा होना, और केवल व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाना, गलत सही होते हुए भी आलाकमान का सब कुछ देखना और कोई एक्शन लेना, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ नेतृत्व करते हैं, अमित शाह जी के रूप में, नड्डा जी के रूप में, सीपी जोशी जी के रूप में, अरुण सिंह जी के रूप में, वसुंधरा राजे जी के रूप में, या राजेंद्र राठौड़ जी के रूप में जो है एक ऐसा नेतृत्व जो है वो दिखाई देता है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व दिखाई देता है जो देश को विश्व के पटल के सामने मजबूती से रखने का काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं की लगातार हौसला अफजाई कर रहा है। देश में अगर युवा कुछ अचीव कर रहा है तो उसे सेलिब्रेट कर रहा है, अगर कहीं भी कुछ भी देश में अचीवमेंट होता है तो उसे अपनी खुशी मान करके उसे आगे बढ़ा रहा है, माहौल दे रहा है कि लोग देश के हित के लिए काम करने के लिए आगे आए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोत्साहित करती हैं कि उनके साथ जुड़ करके जो है वो काम करें। कि ये मान सकते हैं कि क्योंकि पिछले टाइम से कई दिनों से आपकी नाराजगी थी कांग्रेस में, क्या कोई टिकट को लेकर कोई ऐसी नाराजगी जिसकी वजह से इसमें आना हुआ? या देखिए, मैंने एज ए पार्षद काम किया है वहाँ पे, मैंने एज ए मेयर काम किया है, मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मेरे पार्टी के पास कोई पद ना होते हुए मैंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। लेकिन अगर आप लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते रहेंगे, उनकी वर्किंग की उपेक्षा, जो समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता है उसकी उपेक्षा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को पीड़ा तो होगी। अच्छा, भाजपा आपने ज्वाइन किया तो क्या कोई उम्मीद करे, क्योंकि आपके जो काफी सारे फॉलोवर्स है, जो काफी सारे, एक मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि काफी सारे फॉलोवर्स है ज्योति खंडेलवाल, काफी भीड़ यहाँ पर है, वो एक नजर देख रही कि ज्योति खंडेलवाल अब कहाँ से है? पार्टी के मैं पार्टी में परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो चुकी हूँ। अब पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वो मेरी क्षमताओं का, मेरी काबिलियत का, मेरी निष्ठा का, मेरी ईमानदारी का, मेरे कार्यप्रणाली का किस तरीके से पार्टी की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए उपयोग करना चाहता है, वो जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। कांग्रेस का बड़ा चेहरा बीजेपी में आया है तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उसका उपयोग करेगी, लेकिन ज्योति खंडेलवाल ने तो अपनी बात रखी हुई। मैंने सब कुछ पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया। यह है ज्योति खंडेलवाल जो बता रहे हैं कि इन्होंने बिना किसी शर्त के भाजपा की जो विचारधारा थी, जो नीति रीति है, उसके अनुसार इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। कांग्रेस में लगातार जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो उपेक्षा हो रही थी उसी से इनका मन विचलित था और इसीलिए इन्होंने अब कांग्रेस को छोड़ के और भाजपा का दामन थामा है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।